मंजर कोई नहीं का पापों सैन वरगा
कभी गाजी
से be
salatu sayyidi ya rasul allah wa ala alika wa ashabika ya habib allah mohabbat ke sath padhiya salatu रास्ता बोल गया मोहब्बत के साथ पढ़िया सलात सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वास्वाबी गया नूर अल्लाह। आप जो मैं हदीस से पाक पढ़ने लगा हूँ हर बंदा इंशाल्लाह तड़प के दरूद पाक पढ़ेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम व सलाम ने फरमाया इरफाउ अस्वातकुम अलैया फइन्नहा तज़कुम निफाक। दूर हो जाए मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सलात
मैं के साथ भी जोत उतरी हूँ बरादरान इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा शुक्र है इस रबी कायनात ने आज हमें मिल बैठ कर अपना अपने प्यारे हबीब का और हबीब के हबीबों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। आज की बज़्म नूर जो मतलब मकाम इज्जत माल मुहिब्बे अहले बैत गदाए दरे बतूल बरादर मुकर्रम जनाब चौधरी मोहम्मद आसिफ साहेब आपने अकीदत और एहतराम के साथ मनाई। अल्लाह करीम इस बज़्म नूर को हम सब की बख्शिश का हवाला बनाए। अल्लाह करीम पंचतन पाक का सदका इनके रिज़्क़ के अंदर जान के अंदर माल के अंदर औलाद के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है और मैं अहले सुन्नत का अदना सा खादिम और नौकर होने की हैसियत से चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह करीम मेरी जुबान पर कलमातुल हक को जारी फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को कबल काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवान बंदे खास तवज्जो कीजिएगा, अहले सुन्नत के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों का हया किया जाता है। आप सुभानअल्लाह लगेंगे तो मुझे पता चलेगा आप बेदारी के साथ बैठे हैं। थोड़ी देर की गल है, पाँच दस मिनट ये बोलते रहे तो दस मिनट, जे थोड़े ना बोले हो तो फिर क्या पता घंटे तक भी जा सकता था। समझ कोई पीछा मैं भी जा बोलने जा सुबह तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपने बोलना है। आप सुभानअल्लाह कहेंगे तो पता चलेगा आप बड़ी अकीदत और इहतराम के साथ मौला हुसैन पाक की गुफ्तगू और आपके जितने भी फजाइल हैं वो सुनने के लिए बैठे हैं। हम अहले सुन्नत रसूलुल्लाह की आल का भी अदब करते हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा का भी अदब करते हैं। अहले सुन्नत व जमात के छह स्कूल ऑफ थॉट है। क्यों समझे अहले सुन्नत के छह इंस्टीट्यूट है? चार स्कूल अमाल के स्कूल है और दो स्कूल अकायद के स्कूल है। अमाल के स्कूल कौन कौन से हैं? हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। और अकायद के स्कूल हजरत अबू मूसा अशरी और अबू मंसूर मातुरिदी। इन सब के नजदीक उस बंदे का ईमान कामल है, उस बंदे का ईमान मजबूत है जिसके दिल के अंदर आमिना के लाल और आमिना के लाल की औलाद की मोहब्बत मौजूद है। याद रखें, मैंने ये हदीस बाग एक मरतबा पहले भी आपको सुनाई है लेकिन आप दोबारा सुनाने लगा बड़ी मोहब्बत के साथ समाप्त कीजिएगा। एक होता है मंसूबे रसूल और एक होता है महबूबे रसूल। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ हमारे दिगर इस्लाहान बैठे हैं, अब पढ़ा लिखा तबका मेरे सामने बैठा है। आज हमने एक और वतीरा अपना लिया है, जो अली अली करे हमने उसे किसी और खाते में डाल दिया। जो इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक का नाम ले हम कहते हैं ये दूसरे खाते का है। ना ना, कल भी बोला हसन पाक, बोला हुसैन पाक का नाम तरल्ले के साथ अगर लेते तो सरकार के नौकर और सरकार के मामले अहले सुन्नत सच्चे पके सुन्नी लगाते। सारे बोलो, सारे बोलो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हो गए थोड़े बहुत। आज भी हम समझ जाते हैं महफिल में बैठने के, ये बंदा अंदर से कितना पक्का है, बाहर से कितना पक्का है। आज भी 14 सदियां गुजरने के बाद कोई थर्मामीटर नहीं बना जिसे सीने पे रख के पता चला सके कि इसके दिल के अंदर ईमान है या नहीं है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जुजुरी फरमाते हैं, आपने दलाइल करात के हाशिए के अंदर लिखा है 14 सदियां गुजरने के बाद आप फरमाते हैं अगर किसी को चेक करना हो कि इसके दिल के अंदर ईमान है या नहीं है, उस बंदे के सामने आमिना के लाल का जिक्र करो, अगर उसका चेहरा खिल जाए
फिजूली ने, अगली बात सुनने वाली है। मेरे आका ने पता क्या फरमाया कि अगर मोमन पहचानना हो तो कैसे पहचानना है? मेरे आका ने फरमाया अगर मोमन की पहचान करनी हो कि ये बंदा मोमन है या नहीं है, इसके दिल के अंदर ईमान है या नहीं है, मेरे आका करीम अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया उसके साथी का जिक्र करना। अगर पता करना हो मुनाफिक कौन और मोमिन कौन है, ये थर्मामीटर कोई नहीं बना। आज सतरा चेक करने का पैमाना बन गया, बुखार चेक करने का पैमाना बन गया, आज हवा को हवा का हुजम चेक करने के लिए पैमाना बन गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बन सका जो मुनाफिक और मोमिन की पहचान बता सके। 14 सदियां पहले मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने फरमाया था अगर अपने महफिल में पता करना हो मुनाफिक कौन और मोमिन कौन है, वहां किसी और का जिक्र नहीं करना, मेरे भाई अली अल मुर्तजा का जिक्र करना। तो समझ जाओ ये अपना है, अगर चेहरे पे बल पड़ जाए तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। मैं गुफ्तगू को बढ़ाता लेकिन वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं अगली बात करके अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलता हूँ। हजरत दिवकार ब्रदरान इस्लाम, मैंने आप अहबाब के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से एक आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى, اے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو میں نے تمہیں سارے کا سارا دین سمجھایا, میں نے تمہیں سارے کا سارا دین پڑھا دیا, اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, ہاں ایک چیز مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے! ایک چیز مانگتا ہوں۔ مسلمانوں رسول اللہ نے مانگا کیا ہے؟ ہمیں ہر چیز اسلام نے دی, اسلام دیا سرکار نے, تو سرکار نے اس کی اجرت کیا مانگی؟ سرکار نے فرمایا کہ میری آل بیت سے محبت کرنی ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میری آل بیت سے محبت کرنی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرب هؤلاء الذين وجبت علينا محبتهم, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ و الحسن و الحسین, میرے صحابہ علی فاطمہ حسن و حسین کی محبت تم پر فرض قرار دی گئی ہے۔ سبحان اللہ! محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ! میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت کرنے والوں, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ توڑ پھوٹ کر محبت کرنے والوں, محرم کا احترام کرنے والوں, آؤ عارف لکڑی امی کشمیر میاں محمد بخش وادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارگاہ میں چلتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آل اولاد تیری محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ, آل اولاد تیری دا منگتا او میں کنگال زیانی پاؤ غیر محمد تائی صدقہ شاہے جلان اپنی جوتیاں بنانے کے لیے وہاں دی, کچھ دنوں کے بعد وہ سیدزادہ پیرا شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب سے گزرنے لگے, باہر مولا بخش بیٹھے تھے, میاں صاحب کے بھائی بیٹھے تھے, پوچھا شاہ جی کہاں جا رہے ہو؟ شاہ جی کہنے لگے فلاں موچی کے پاس جوتیاں بنانے کے لیے دی ہیں, وہ جوتیاں لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا بخش کہنے لگے جناب شاہ جی یہ پیسے میرے بھی لے جائیں, آتے ہوئے ہماری جوتیاں بھی اٹھا کے لے آئیے گا۔ حضرت میاں صاحب کے بھائی نے پیسے دیے, شاہ جی نے پکڑ لیے, شاہ جی نے موچی سے جوتیاں لائی, واپسی پہ دیکھا حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پیرا شاہ غازی کے مزار کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پاس آپ کا بھائی مولا بخش بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سید صاحب نے آ کر سلام کیا, سلام کرنے کے بعد آپ نے جوتیاں حضرت میاں صاحب کو پکڑائی, پکڑا کر کہنے لگے حضرت صاحب یہ آپ
आपकी जूतियां मैं फला मोती से लेके आया हूँ, आपके भाई ने पैसे दिए थे। मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए, तड़प कर कहने लगे शाहजी ये हमारी जूतियां हैं, ये हमारी जूतियां हैं। आले रसूल से प्यार करने वालों, मियां साहब की मोहब्बत का दम भरने वालों, मियां साहब ने आले रसूल से प्यार किस तरह किया है, मियां साहब ने आले मोहम्मद से प्यार किस तरह किया है। हजरत मियां साहब ने पूछा शाहजी ये हमारी जूतियां, कहां हां आपकी जूतियां। हजरत मियां साहब ने जूतियां उठाई, उठाकर सर पे रखी, सर पे रखने के बाद मुंह मदीने की तरफ किया, तड़प कर कहने लगे आले औलाद तेरी दा मंगता। शाहजी को मुखातब करके कहने लगे शाहजी अब ये जूतियां मियां मोहम्मद के पांव में लगने के काबिल नहीं रही, मियां मोहम्मद ये जूतियां अपने सर पे उठाने के काबिल समझता है। सैयदा देखो इस जूतियों के हाथ लगे, तड़प कर मोहम्मदीने की तरफ किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सोनिया माफ कीजिएगा, आपकी आल के एक शहजादे ने मेरे जूतियों को हाथ लगा दिए। या रसूल अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ सारी जिंदगी ये जूतियां अपने पाँव में नहीं रखूंगा बल्कि अपने दस्तार के अंदर रखूंगा। पता चले मियां मोहम्मद कोई आम बंदा नहीं है, आले रसूल का नौकर और मंगता है। आपने फरमाया आले औलाद तेरी दा मंगता, ओ मैं कंगाल सियानी पाओ पर मोहम्मद ताई, ओ सदका शाह जिलानी। मियां साहब का प्यार आले रसूल के साथ। आज कोई सैयदजादे को झुककर सलाम कर दे, कोई हाथों पे बोसा दे दे तो देखने वाले मौलवी को वट पढ़ना शुरू हो जाते हैं, नाना मुल्ला जी आज अगर आपकी मस्जिद आबाद है, आपका मुसल्ला आबाद है, आपकी दाढ़ी को इज्जत मिली है तो ये मुस्तफा की आल के शहजादे मौला हुसैन के सदके मिली है। आज अगर हमारी मस्जिदें आबाद है, हमारे मुसल्ले आबाद है, हमारे मिंबर आबाद है तो ये सदका मौला हुसैन का है, ये सदका मौला हुसैन का है। हजरत जी वकार मैं अजमत इमाम इमाम अली मकाम पे दो बातें करके अपनी तकरीर को वाइंड अप करने लगा हूँ, सुनिएगा। सरकार के सहाबी हजरत अबू हुरैरा बिलिया अली सरकार, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप मदीना शरीफ से बाहर किसी जनाजे के अंदर शरीक हुए, वापसी पे ना हजरत इमाम हुसैन पाक आप साथ थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहा, आपने दरख्त के साथ टेक लगाई, टेक लगाने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पांव फैलाए, जैसे ही पांव फैलाए ना तो बुजुर्ग सहाबी सफेद रीश सफेद बालों वाले बाबे ने रसूलुल्लाह के सहाबी ने बुजुर्ग सहाबी ने अपने वो घर के किसी आम ताकी के साथ नहीं अपने दस्तार को खोला, अपने दस्तार को खोला, खोलकर इमाम हुसैन के कदमों पे पड़ी गर्द को साफ करना चाहा। इमाम हुसैन के कदमों पे गर्द पड़ी थी, धूल पड़ी थी, उसे साफ करने के लिए अपने पाक मुबारक को खोला, खोलकर सैयदजादे के कदमों पे पड़ना चाहा। इमाम हुसैन पाक ने पांव पीछे कर लिए, खड़े होकर कहने लगे आप मेरे नाना के बुजुर्ग से आपी हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक सफेद है, आपके कौन समल का है। हजरत अबू हुरैरा ने जो जवाब दिया सुनियो वो दिल की तख्ती पे लिखने वाला है। आपने फरमाया शहजादियों मैंने जितने फजाइल आपके नाना से आपके सुने ना अगर मैं आपको अपने सर पर उठाकर चलूं फिर भी हक अदा नहीं कर सकता। आपने फरमाया जितने मैंने फजाइल आपके नाना से आपके सुने अगर मैं आपको अपने सर पर उठा कर चलूं तो फिर भी हक अदा नहीं कर सकता। कौन हुसैन किस हुसैन की हम बात करने लगे हैं, मौला हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। आज तो दो टके का बंदा उठ के जाता है कि जी मुहर्रम के दिनों में मौला हुसैन का जिक्र जरूरी नहीं है, अगर मौला हुसैन का जिक्र जरूरी नहीं है तो तेरे बाप यजीद का जिक्र जरूरी है। नाना 14 सदियां पहले इमाम हुसैन पाक ने करबला की तपती हुई रेत पे अपने 6 माह का बच्चा दिया था, 18 साल का जवान दिया था, अपना भाई अबू बकर बिन अली दिया, अपना भाई उमर बिन अली दिया, अपना भाई उस्मान बिन अली दिया, हजरत अब्बास जैसा वफादार भाई देकर जब बता दिया लोगों हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, नाना के दीन की गद्दारी
याद रखें, मौला हुसैन पाक करबला में इसलिए नहीं गए थे कि यजीद बेनमाजी था, शराब पीता था, फासिक फाजिर था, ये उसमें ऐब ज़रूर थे, लेकिन मौला हुसैन इस वजह से नहीं गए, यजीद ख़त्म नबूवत का मुनकर था, यजीद ख़त्म नबूवत का मुनकर था। पढ़िए तारीख, हम पढ़ते नहीं इस वजह से तो हम मार खाते। करबला में मौला हुसैन इसलिए गए क्योंकि यजीद खत्म नबूवत का मुनकर था। आपने बता दिया, ओए बदबख्त, तू जानता नहीं है तू खत्म नबूवत के साथ गद्दारी करेगा। अभी खत्म नबूवत वाले आका का नवासा हुसैन इब्ने अली जिंदा है, और आज भी हुसैनियत और यजीदियत दो ग्रोह है, हुसैनियत और यजीदियत दो ग्रोह है। जहां देखो आपके सामने कोई डट कर बात कर रहा है, समझ जाओ ये हुसैन के काफिले का सलाह है। हजरत दिवकार इमाम हुसैन पर आपकी अजमत का अंदाजा हम क्या लगा सकते हैं, हमारी क्या औकात के हम बयान कर सके। या तो रासिफ साहब की मेहरबानी है जिन्होंने हमें ये महफिल सजा के मौका दिया कि हम अपनी बख्शिश के लिए कुछ समा करें। हजरत दिवकार मौला हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? पूरी कायनात की नमाजें मुस्तफा की नमाज पर कुर्बान। आपके पीर साहब मुजद्दद हूँ, मुफक्कर हूँ, मुहद्दिस हूँ, दुनिया का बड़े से बड़ा कोई तकबे वाला बंदा हो, हम कहते हैं भाई आपकी नमाज आला है, लेकिन जैसी सरकार की नमाज ऐसी किसी की नमाज नहीं है, जैसी सरकार की नमाज है ऐसी किसी की नमाज नहीं है। हजरत ज़िवकार मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर अपने नाना की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते हैं। आप कहें सुभान अल्लाह, मैं आपको शेर सुना, शायर ने अच्छा कहता, शायर कहता है तहारतों के मुकद्दस का ज़ेन बैठा है। नहीं नहीं सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, तहारतों के मुकद्दस का ज़ेन बैठा है, मेरी बतौल के जेवन का ज़ेन बैठा है। रब ने अपने हबीब से कहा महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, क्योंकि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। सैयदी मुर्शिदी करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वो तुम सुनियो करो या हुसैन, पता लगे कि ये दुआ खाता नहीं है साडा अपना खाता है। करबला का शाह हुसैन जदों तुम ढिले पे हो ना थोड़ी ढिलियां की वजह से बंदे बाजी लै गए, और लेकिन यह नारा तुसा दा ही तुसा ही लाना है करबला का शाह हुसैन। आसिफ साहब की अगले साल तक मैं बल याद रहा, वैसे हर महीने कराने लेकिन अगले साल तक कम अज कम याद रहा। करबला का शाह हुसैन, 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 मेरे हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आखिरी बात करके अपनी तकरीर को वाइंड अप करने लगा, बड़ी मोहब्बत के साथ समाप्त कीजिएगा, सुनिएगा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का हर गुलाम जिंदा है, अहले सुन्नत वल जमात बाकी है, हर नबी जिंदा है, हर वली जिंदा है, लेकिन क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान सुनने वाले हो, नाज है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को, नाज है सजदे तो सबने किए पर ऐ हुसैन तेरा अजब अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अली का से पोजेन जिंदा है, आखिरी शेर पढ़ने लगा हर बंदा तड़प के सुनिएगा, अली
पूछ भगत की इन बेजुबान किताबों से, सुनो जब भी आजा तो समझो हुसैन जिंदा। एक शेर में देने लगा के तोहफे के तौर पर ले गए, शेर के देने लगे तोहफे के तौर पर ले जाओ। वैसे मैं याद आ गया तो मैं चलो सुनू डिलीवर कर जा। इस सराइकी का शेर हुआ था, अली को अल्लाह अली बनाए, अली को अल्लाह अली बनाए, न तू बनाए न मैं बनाए, पकड़ के बाजू गदीर घूमते, न तू दिखाए न मैं दिखाए, शबे हिजरत नबी दे बिस्तर, न ते समाया न मैं समाया, अली को काबे दे एन सेंटर, न तू लहाया न मैं लहाया, ओ अकल दे अंधे तू सोचते सही, क्यों बुग्ज हैदर दा दिल छुपाया, अली अली ये अली दे सदके जहान अंदर चराग बलदे, ओए पता नहीं ते तू अली दे दर ते तेज कुत्ते हजार बलदे, ओए पता नहीं ते तू अली दे दर ते तेज कुत्ते हजार बलदे। और एक और बात सुन ले के शक्ल दो आदमी होवे पावे हेट वर्गी, बच्चा बिल्ली का शेर नहीं हो सकता, दाढ़ियां तक के दस्तारा तक के भूल ना जाया करो, ये तक क्या करो आले मोहम्मद ना प्यार कितना करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुनो शक्ल दो आदमी होवे पावे हेट वर्गी, ओए बच्चा बिल्ली का शेर नहीं हो सकता, 100 साल होवे पावे नाल शेरा गिद्दड़ कदे दलेर नहीं हो सकता, 100 साल होवे पावे नाल शेरा ओ गिद्दड़ कदे दलेर नहीं हो सकता, किसे मर्द कलंदर दी नजर बाजू ओ नफ्स कदे भी जेर नहीं हो सकता, होवे अली दा मुनकर ते जाए जन्नत तोपा एडा हनेर नहीं हो सकता, अली दा मुनकर ते जाए जन्नत तोपा एडा हनेर नहीं हो सकता। और फैजल भाई आपके लिए, आप जाएंगे तो हमें याद रखेंगे, रासो साहब के लिए जहाँ शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा। शाह के सर सब्ज पे नोखेज कली सजती है, शाह के सर सब्ज पे नोखेज कली सजती है, या अंगूठी में नगीने की दली सजती है, वो हक परस्तों से किसी आशिक ने क्या हुक कहा, दिल के आईने में तस्वीरें अली सजती है, ये दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएं दुआ शारों और जिसने
सलाम है।